स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल न्याज एस्ट्रो क्लासेस में। आज के वीडियो में साइंस से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि अभी 7 और 11 को एग्ज़ाम रहा, उसमें सबसे ज़्यादा विज्ञान से प्रश्न आए। यह वीडियो आने वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस आधार पर क्रमबद्ध किया गया है? आपका ऑप्शन ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी न्यूट्रॉनों की संख्या। उत्तर है ए परमाणु संख्या। किस प्रकार का अम्ल अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? आपका ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी कार्बनिक अम्ल। उत्तर है बी सल्फ्यूरिक अम्ल। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए H2O, बी CO2, सी O2, डी NaCl। उत्तर है ए H2O। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। उत्तर है बी ऑक्सीजन। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वाट। उत्तर है सी ओम। निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी पारा, डी तांबा। उत्तर है सी पारा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर है सी 4। किस विकिरण का सबसे अधिक ऊर्जा होता है? आपका ऑप्शन है ए रेडियो तरंगे, बी माइक्रोवेव, सी प्राबैंगनी किरणें, डी गामा किरणें। उत्तर है डी गामा किरणें। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी ट्रांसपिरेशन, डी स्टोमेटा। उत्तर है ए जाइलम। रुधिर का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में सहायक होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। उत्तर है बी श्वेत रक्त कणिकाएं। क्षारीय पृथ्वी धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटासियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। उत्तर है सी कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी त्वचा। उत्तर है डी त्वचा। विद्युत प्रवाह के विपरीत दिशा में कौन सी कण गति करते हैं? आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी फोटॉन। उत्तर है ए इलेक्ट्रॉन। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? आपका ऑप्शन है ए ठोस, बी तरल, सी गैस, डी निर्वात। उत्तर है ए ठोस। दर्पण में बनने वाली वास्तविक छवि कैसी होती है? आपका ऑप्शन है ए सीधी, बी उल्टी, सी बढ़ी हुई, डी घटी हुई। उत्तर है बी उल्टी। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? आपका ऑप्शन है ए माध्यम घनत्व, बी प्रकाश की तीव्रता, सी माध्यम की दिशा, डी प्रकाश का रंग। उत्तर है ए माध्यम का घनत्व। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी कोयला, सी सूरज, डी पवन।
उत्तर है सी सूरज। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक ईंधन है? आपका ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी बायोगैस, डी प्राकृतिक गैस। उत्तर है सी बायोगैस। पौधों में खाद का संचयन किस रूप में होता है? आपका ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी वसा, डी प्रोटीन। उत्तर है बी स्टार्च। प्रिज्म में किस प्रकार की किरणें विभाजित होती है? आपका ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, बी प्रकाश, सी ध्वनि, डी एक्स किरणें। उत्तर है बी प्रकाश। किस तत्व में रेडियो धार्मिकता होती है? आपका ऑप्शन ए सोना, बी यूरेनियम, सी चांदी, डी तांबा। उत्तर है बी यूरेनियम। आवर्त सारणी के किस समूह में अक्रिय गैस होती है? आपका ऑप्शन है समूह एक, बी समूह दो, सी समूह 17, डी समूह 18। उत्तर है डी समूह 18। किसी वस्तु की चाल को मापने की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन ए मीटर, बी मीटर बाय सेकेंड, सी किलोग्राम, डी न्यूटन। उत्तर है बी मीटर बाय सेकेंड। तांबा और जिंक के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? आपका ऑप्शन ए कासा, बी पीतल, सी स्टील, डी धातु। उत्तर है बी पीतल। परमाणु के किस घटक में धनात्मक आवेश होता है? आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी फोटॉन। उत्तर है सी प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आपका ऑप्शन ए एड्रिनल, बी इंसुलिन, सी साइटोकाइनिन, डी थायरोक्सिन। उत्तर है सी साइटोकाइनिन। ताजे पानी की मछलियां में जल का संतुलन किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा बनाए रखा जाता है? आपका ऑप्शन ए विसरण, बी प्रसरण, सी अपघटन, डी स्फुटन। उत्तर है बी प्रसरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी ज्वार भाटा, डी जीवाणु। उत्तर है बी सूर्य। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? आपका ऑप्शन ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी काम्बियम, डी पत्तियां। उत्तर है बी जाइलम। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, डी सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स। उत्तर है ए हीमोग्लोबिन। जल का शुद्ध रूप से बनने वाली गैस कौन सी होती है? आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर है बी हाइड्रोजन। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? आपका ऑप्शन ए सूर्य की प्रबैंगनी किरणें से रक्षा करना, बी पृथ्वी की गर्मी को बनाए रखना, सी विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करना, डी गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करना। उत्तर है ए सूर्य की प्रबैंगनी किरणों से रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है? आपका ऑप्शन ए नींबू का रस, बी दूध, सी साबुन, डी नमक। उत्तर है ए नींबू का रस। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन ए ओम, बी वोल्ट, सी वाट, डी एम्पियर। उत्तर है डी एम्पियर। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान क्या होता है? आपका ऑप्शन ए 7 से कम,
बी 7 के बराबर, सी 7 से अधिक, डी 0 के बराबर। उत्तर है सी 7 से अधिक। पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए परावर्तन, बी परावर्तकण, सी परावर्तक नाक, डी परावर्तित प्रकाश। उत्तर है ए परावर्तन। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आपका ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पाचन, डी विसरण। उत्तर है बी प्रकाश संश्लेषण। विद्युत चुंबक की तरंगों की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए न्यूटन, बी फैराडे, सी मैक्सवेल, डी आइंस्टीन। उत्तर है सी मैक्सवेल। नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल होता है? आपका ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। उत्तर है बी साइट्रिक अम्ल। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को किस उपकरण से मापा जाता है? आपका ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी ओममीटर। उत्तर है सी गैल्वेनोमीटर। प्रबैंगनी किरणें किससे उत्पन्न होती है? आपका ऑप्शन ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी तारे, डी ग्रह। उत्तर है ए सूर्य। कौन सी प्रक्रिया द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? आपका ऑप्शन ए विसरण, बी श्वसन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी प्रसरण। उत्तर है ए विसरण। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। उत्तर है सी विटामिन डी। चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाता है? आपका ऑप्शन ए ओम का नियम, बी फैराडे का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, डी न्यूटन का नियम। उत्तर है सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। जल का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? आपका ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। उत्तर है बी 4 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। उत्तर है ए विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वर्षा किस मापन है? आपका ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी द्रव्यमान, डी ऊर्जा। उत्तर है बी दूरी। न्यूटन का दूसरा नियम किसके बराबर में होता है बताता है? आपका ऑप्शन ए बल और समय, बी द्रव्यमान और त्वरण, सी बल और त्वरण, डी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया। उत्तर है सी बल और त्वरण। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आपका ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी ओममीटर। उत्तर है बी एमीटर। डेली जी के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।